तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सीधा काम की बात बताता हूँ, तुम मेरी फोर्स से क्यों नहीं जुड़ जाते हो? मेरे पास काली शक्तियाँ हैं और तुम हो समुद्री लुटेरों के राजा। अगर हम अपनी फोर्सेस को एक कर लें तो मिनी फोर्स से छुटकारा पा सकते हैं। अगर मैं मिनी फोर्स को धूल चटा दूँ तो तुम मुझे बदले में क्या दोगे? तुम मुझे इतना बेवकूफ समझते हो क्या कि मैं बिना किसी मुआवजे के तुम्हारी मदद करूँगा? बिल्कुल मुआवजा मिलेगा। गोल्डन आइल्स के खजाने के नक्शे के बारे में क्या ख्याल है? द गोल्डन आइल्स का नक्शा? लेकिन मामूली खजाने के नक्शे के लिए मिनी फोर्स से लड़ना कोई फायदा नहीं। अच्छा, लगता है ऐसे काम नहीं बनेगा। इस पूरे मामले को भूल जाते हैं। नहीं, रुको रुको, इसे करते हैं। वो मिनी फोर्स मेरे सामने नहीं टिक पाएंगे क्योंकि मैं समुद्र का राजा हूँ। बस उस नक्शे पर पैनी नजर रखना। पैनी नजर रखना, पैनी नजर रखना। नकल करना बंद करो। नकल करना बंद करो, नकल करना बंद करो। मैंने कहा मत करो। मैंने कहा मत करो, मैंने कहा मत करो। रुक बेवकूफ तोते। बेवकूफ तोते। ये बन गया है। चलो इसे उड़ा के देखें। वो दूर उड़ गया। वो काफी दूर चला गया है, भूल जाओ उसे। वो क्या है? ये तो अपन का पेपर एयरप्लेन है। तुम लोग कर क्या रहे हो? हवा चल रही है, तुम लोग खिड़की बंद क्यों नहीं करते? तुम मुझसे मिलने आए हो? ओ हाँ, बिल्कुल मैक्स। तुम कितने बड़े हो गए हो? तुम मुझे भूल गए क्या? मैं पैरो हूँ। तुम्हारे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। तुम मुझे चाचा बुलाते थे। हाँ, क्या मेरे चाचा? हाँ बिल्कुल मैक्स, तो तुम्हें मैं याद हूँ। देखिए माफ करना, मुझे कुछ याद नहीं। याद है जब तुम छोटे थे तो गिर गए थे और आइसक्रीम खाकर बीमार पड़ गए थे। लेकिन आपको कैसे पता? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बचपन में अपन सबके साथ ऐसा ही होला है। सच में? तो मैं और बारीकी से बताता हूँ। अपने जानकारों में तुम सबसे ताकतवर थे और तुम बचपन से ही बहुत नरम दिल थे, इसलिए तुम्हारे बहुत दोस्त थे और सब तुम्हारे साथ खेलते थे और तारीफ करते थे। हाँ बिल्कुल ऐसा होता था। कुछ तो गड़बड़ है। ये कोई सबूत नहीं है, बड़ी बेतुकी बातें हैं ये। मैक्स, तुम्हें यकीन है तुम्हारे कोई चाचा है? देखो बात ये है कि मुझे कुछ खास याद नहीं है। तुम बहुत छोटे थे ना, इसलिए भूल गए हो। हे भगवान, मैं कितना पागल हूँ। मैं मैक्स और उसके दोस्तों के लिए तोहफे लाया था। वाह, इसकी क्या जरूरत थी? ये तो वही मशहूर मूंगफलियां हैं। न जाने कब से अपन उसको खाना चाहता था। क्या अपन भी आपको पैरो चाचा बुला सकता है? क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक कर आराम कर सकता हूँ? मैं बहुत दूर से आया हूँ प्यारी लड़की। प्यारी लड़की? आप तो जादूगर हैं। ये घर आपका ही है। समुद्री लुटेरे, समुद्री लुटेरे, संभालो! सब लूट लो, सुना तुमने? सब कुछ। हाँ,
ये क्या है पैरू चाचा? ये खजाना तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए मेरे पास छोड़ा था। एक सेकंड, ये मेरे पापा का छोड़ा हुआ खजाना है? हाँ बिल्कुल, इस ब्रेसलेट में कमाल की शक्ति है, लो पहन के देखो। बहुत खूब, ये तुम्हें आ गया। अब उस बटन को दबाओ। ऐसे क्या? वाह, ये ऐसा क्यों कर रहा है? मैक्स, इस वक्त तुम अदृश्य हो गए हो। ओ, सच में? वाओ, मैं अदृश्य हूँ? तुम जाकर इसे दूसरों पर आजमाओ, बहुत मजा आएगा। ठीक है चाचा, मैं अभी वापस आता हूँ। हाँ, ठीक है। वाह, क्या कमाल का दिन है। हाँ, बहुत बहुत अच्छा है। ऐसे दिन पर मैक्स कहाँ गायब है? वो काफी देर से नजर नहीं आया। मैक्स, मैक्स, वो ऐसे कहाँ चला गया? मैक्स, मैक्स, आउच, ये कौन कर रहा है? तुमने पीछे से अपन को क्यों खींचा? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यहाँ तुम्हारे सिवा कोई नहीं है जो अपन को इस तरह से पीछे से छेड़े। सैम, तुम बहुत बचपना दिखा रहे हो। क्या बचपना? अब उनको इस तरह से पीछे से खींचने के बाद तुम ये कह रहे हो? अब उन तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, बुलावा आया है, जल्दी चलो। मैक्स, मैक्स यहाँ कब आया? तो आखिरकार मिनी फोर्स आ ही गई। शाका, ये समुद्री लुटेरों की जगह नहीं है, समुद्र पर लौट जाओ। तुम बदमाशों को किसी चीज से डर नहीं लगता है ना? अब देखो मैं क्या करता हूँ। रुको, इस ब्रेसलेट के इस्तेमाल से मैं उन्हें आसानी से पछाड़ सकता हूँ। कितना ताकतवर महसूस हो रहा है, ये कमाल है। ये सब क्या था? ये तो मैक्स के लड़ने का तरीका है। क्या ये? तुम्हारी यूं ही तारीफ नहीं होती मिनी फोर्स। फोर्सर तैयार। बस इतना ही कर सकते हो तुम चूजो। ये लो, तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। ओ सोल, तैयार हो? तैयार। फिर लोग साथ में हमला करने का। ठीक है। ये लो, अपने शक्तियों को मिलाकर हमला करने का। ठीक है। ये लो।
मत सोचना कि ये सब खत्म हो गया मिनी फोर्स। समुद्री लुटेरों के राजा के लिए बहुत शर्म की बात है। क्या मतलब शर्म की बात है? सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। प्लान के मुताबिक। मिनी फोर्स के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए गुप्त हथियार है मेरे पास, वो खजाने का नक्शा तैयार रखना। इसे देखो, ये मजेदार है। ए दोस्ता, तुमने वो ब्रेसलेट देखा क्या जो मैक्स ने पहना हुआ है? हाँ पेरू चाचा, पर उसमें क्या है? हाँ, वो उसके लिए बहुत खास है और उसे वो बहुत खूबसूरत लगता है, और वो थोड़ा दुखी है क्योंकि तुम में से किसी ने भी उसकी तारीफ नहीं की कि वो कितना सुंदर है। सच में? तो मैक्स अब अपुन समझा, आप लोग जरूर उसकी तारीफ करेंगे। वाह मैक्स, तुम्हारा ब्रेसलेट बहुत खूबसूरत है। थैंक्स पेरू चाचा। पर होशियार रहना मैक्स, आसपास के लोग उसे हड़पने की कोशिश कर सकते हैं। सच में लोग ऐसा करेंगे? पर कौन? देखो हो सकता है कि हम शायद विकी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो बस होशियार रहना। कैसे हो पेरू चाचा? हेलो दोस्तों। मैक्स तो तुम यहाँ भिड़ू। वाह एकदम गजब का ब्रेसलेट है भाई। मेरे ब्रेसलेट की क्या बात कर रहे हो? झकास, ऐसी शानदार चीज पर बार बार नजर आ जाती है। हाँ मैक्स, ये सच में खूबसूरत है। क्या सैम भी तारीफ कर रहा है? शुक्रिया दोस्तों। मैक्स एक बार अपन को भी पहनने देना। ये मेरा है, दूर रहो। क्या बात है मैक्स? ये मेरा कीमती ब्रेसलेट है और मैं तुम लोगों को इसे हड़पने नहीं दूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ नहीं मैक्स, पहले ही खा चुका है, अब तुम लोग भी खा लो। मजेदार लग रहा है, चलो टूट पड़े। अरे मैक्स वहाँ देखो, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें छोड़ दिया और कुछ अच्छा खा रहे हैं। मतलब ही लोग। वाह अच्छा लग रहा है। मुझे चोट लगी। ये क्या कर रही हो? तुम्हें पाई खाने की ज्यादा ही जल्दी है। ये क्या कर रहे हो भिड़ू लोग? चलो ये पाई खाते हैं। तुम लोग ये क्या हो रहा है? तुम्हें मेरे साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए था। पता नहीं ये अजीब सी चीजें क्यों हो रही हैं। कुछ तो गड़बड़ झाला है बिल्लू। मैक्स ये तब से शुरू हुआ है जब से तुमने ये ब्रेसलेट पहना है। इस बारे में तो सोचा ही नहीं। घटिया लोगों, तुम लोग मेरे ब्रेसलेट के पीछे पड़े हो, है ना? मैक्स शांत हो जाओ, हम तुम्हारा ब्रेसलेट नहीं ले रहे। मेरे पास मत आना। पहले चलते हैं। एक इमरजेंसी है, समुद्री लुटेरों का राजा शाखा वापस आ गया है और जंगल में गांव पर हमला कर रहा है। समुद्री लुटेरों का राजा, उसे सबक सिखाना ही होगा। शाखा और ताकतवर हो गया है, वो पश्चिमी समुद्र के डार्क आइल से एक नई तलवार लेकर आया है। ये लड़ाई पिछली लड़ाई से मुश्किल होगी। तो समुद्री लुटेरों के राजा के पास अब काली शक्तियाँ हैं? सावधान नहीं रहे तो हम हार जाएंगे। वो आदमी कुछ खास नहीं है, मैं मैक्स उसे एक झटके में हरा दूंगा।
किसी कीमत पर हारना नहीं है। शाका इस वक्त अपनी सेना के साथ जंगल के गांव में पहुंच गया है। फौरन निकलो और जंगल के लोगों को बचाओ। सर, यस सर। मिनी फोर्स तैयार हो। तैयार। घटिया लोगों, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। मैक्स, अकेले मत जा, अब लोगों को साथ में लड़ना होगा। मैं इससे अकेले ही निपट सकता हूँ, मैं वैसे भी अकेला ही हूँ। मैक्स, ऐसा करने से हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये वही ब्रेसलेट है। मैक्स, होश में आओ और इसे उतार फेंको। तुम लोग मेरे ब्रेसलेट के पीछे हो, मैं तुम्हें ये नहीं लेने दूंगा। मैक्स गायब हो गया है। ये तुम्हें नहीं मिलेगा। मैक्स, शांत हो जाओ। ठीक है, अब मैं तुम्हें अपने छोटे अफसर से मिलवाता हूँ। मिलवाता हूँ। क्या ये तोता तो? ये तो पैरों चाचा है, चल क्या रेला है? अब तक नहीं समझे, मैंने तुम लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। रुक क्यों गए मैक्स? इन सब को खत्म कर दो, वरना ये तुमसे तुम्हारा कीमती ब्रेसलेट छीन लेंगे। ब्रेसलेट ले लेंगे। नहीं, ये मेरा ब्रेसलेट है, इसे मुझसे कोई नहीं ले सकता। मैक्स, ये तुम्हें मामू बना रहे हैं। तुम इसे नहीं ले सकते। खुद को संभालो यार। विकी, तुम ठीक हो? नहीं। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने उस ब्रेसलेट के जादू की वजह से तुम सब के साथ गलत किया। कोई बात नहीं मैक्स, अपुन खुश है कि तुम फिर से अपुन की तरफ हो गए हो। शुक्रिया विकी। तुम लोग, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ठीक है फिर, अब हमें मैकमोन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मैकमोन का इस्तेमाल। समुद्र की शक्तियों, जागो। कोई फायदा नहीं, फोर्स कास्ट बुलाने का वक्त आ गया है। फोर्स कास्ट तैयार। तैयार। बेवकूफ बनाने की कीमत चुकानी होगी। ये लो फिर। ठीक है। कोई फायदा नहीं, वो बहुत ताकतवर है। तो ठीक है, अब लोग सब मिलकर हमला करेंगे। फोर्स को एक साथ हमला। Yeah!
इंजन खराब हो गए हैं, ये किसी भी वक्त रुक सकते हैं। बैकअप इंजन शुरू करने का। फिर लोग दो तरफा फ्यूजन से हमला करो। रोनी, उसका ध्यान भटकाओ। फिक्र मत करो, मुझ पर छोड़ दो। सबकी शक्तियों को मिलाकर एक साथ हमला करते हैं। ठीक है। उसका ध्यान रोनी पर है, इसे एक आखिरी बार में खत्म करते हैं। ध्यान से। Hmm.